हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही टेस्टी गुरु प्रसादम की खीर, जो कि आपकी कॉफी प्रॉब्लम को दूर कर देगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को सेट कर लो ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मैंने गुरु प्रसादम के बारे में वीडियो बनाई हुई है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, आपने मेरी वीडियो नहीं देखी, तो ऊपर क्लिक करो लिंक पे, तो आप मेरी वीडियो को देख सकते हो। बहुत सारे लोगों ने मेरी वीडियो को देखा है और कमेंट्स किए हैं, आप कमेंट्स को पढ़ सकते हो, उनकी प्रॉब्लम्स को हद तक बहुत ज़्यादा सॉल्व हुई हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो और आपकी काफ़ी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। इस वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन छूट ना जाए। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ इस गुरु प्रसादम की खीर के बारे में। ये खाने में तो बहुत टेस्टी होने वाली है और आपकी काफ़ी प्रॉब्लम्स को दूर कर देगी, आपकी प्रॉब्लम्स को जड़ से निकाल देगी। तो इससे बढ़िया ही क्या है, इस टेस्टी खीर खाने के साथ साथ आपकी प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाएंगी। बात करते हैं इस गुरु प्रसादम की खीर में क्या क्या इंक्लूडिंग है। तो आपको इस स्क्रीन में दिख ही रहा होगा कि इस गुरु प्रसादम की खीर में क्या क्या डाला हुआ है। तुलसी, नीम, ग्लोए, गुलाब की पत्ती और छोटी इलायची, बहुत ही नेचुरल चीज़ें इस खीर में डली हुई हैं, वो कि इसका साइड इफेक्ट बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। आप बिना डर से इसको ले सकते हो और आपके टेस्ट के हिसाब से टेस्टी होगी। हालांकि इसमें सभी नेचुरल चीज़ें डली हुई हैं, आप इसे बिना डर से ले सकते हो। यूज़ कैसे करना है, आपने इसको खाना कैसे है, इस खीर को आपने फ्रिज में रख लेना है। फ्रिज ये नहीं है कि आपको फ्रिज से निकालते ही खा लेना है। खाना खाने के बाद आपको एक घंटे बाद खाना है और इसका सही इफेक्ट आपको रात के खाने के बाद मिलेगा। आपको उसी टाइम ही खाना पड़ेगा, ये नहीं कि आप दिन में खा लो, जब मर्जी खा लो, आपका जब मर्जी मन करे तब खा लो। आपको सिर्फ रात को खाने के बाद ही खाना है, तो इसका अच्छा बेनिफिट होगा आप, ताकि आपको आपका रिजल्ट जल्दी ही मिल जाएगा। तो मैं बताती हूँ ये खीर का यूज़ कौन कौन लोग कर सकते हैं। वो लोग इन खीर का यूज़ कर सकते हैं जिनको दिमाग की प्रॉब्लम होती है, थोड़ा ब्रेन में प्रॉब्लम होता है, और जिनको सांस की दिक्कत होती है, जिनको डस्टिंग वगैरह की दिक्कत होती है, घर में डस्टिंग करने के बाद आपको सांस फूलने लग जाता है, तो या फिर सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आपको सांस फूलने लग जाता है, या कहीं ट्रैवल करते हो तब आपको सांस फूलने लग जाता है, लंग्स में प्रॉब्लम होती है, उन लोगों के लिए ये बहुत ही बेनिफिट देगी। स्किन के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, अस्थमा है या फिर खुजली की प्रॉब्लम है, स्किन के रिलेटेड को अस्थमा की प्रॉब्लम है और जिनको सुस्तीपन लगता है, आलसी लगता है, चक्कर आते हैं, उनके लिए ये खीर बनी हुई है। वो लोग इस खीर को खा सकते हैं। अगर आपने इस खीर को खाया है तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि आपको क्या बेनिफिट हुआ है। अगर आपने नहीं खाया, खाना चाहते हो, तो भी आप मेरे को कमेंट में बताना, और किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को बता देना कि मैं ताकि उसी के रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ। थैंक यू।